क्या आप लोगों को पता है कि जब हम मोबाइल या फिर टीवी कुछ भी फ्रिज कुछ भी वगैरह हम ऑर्डर करते हैं, वो जो एमआई पे मंगाते हैं, उसको बाद हम उसको हम बाद में किस्तों में इसका एमआई पेमेंट करते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर आपके साथ रिचार्ज में भी हो, अगर आप रिचार्ज कर लो इसके बाद इसकी एमआई बन जाएगी, जिसको आप बाद में एमआई के थ्रू आप इसको पेमेंट करते जाना किस्तों में। तो ऐसा ही मैं एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, जहाँ पर अगर आप कोई भी अमाउंट का रिचार्ज करते हो ना, तो आपको उसको बाद में एमआई के थ्रू पेमेंट करना रहेगा। जैसे कि आप रिचार्ज करते हो 666 वाला प्लान, तो उसकी आपको 3 MI बन जाएगी, मतलब 3 हर मंथ आपको उसका पेमेंट करना रहेगा। कुछ पार्ट जो आपने यूज़ किया है, जो आपको मतलब करीबन ये 700 रुपीज का पेमेंट हो जाता है, तो उसको आप इसको पेमेंट कर सकते हो किस्तों में। मतलब आपको एक महीने आज इस मंथ में एक पेमेंट करना है, इसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर पेमेंट करना है, और फिर आपको एक नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है। ऐसे ही आप इसको MI पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कितना ज़बरदस्त है कि आप कोई भी प्लान रिचार्ज करो, उसको इसके बाद आप इसकी MI बना लो, ठीक है, या फिर आप किस्तों में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मोबाइल वो हम खरीद लेते हैं अभी, और उसके बाद इसको हम किस्तों में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम एक ऐसे ही कॉस्ट के साथ में एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जहाँ पे आप अभी भी रिचार्ज अभी करो, और उसके बाद उसका पेमेंट आप बाद में करते रहना, आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को तेल अंत तक देखते रहेगा। जिसको भी इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को तेल अंत तक देखते रहिए और विदाउट स्किप किए। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ऑफर बग ट्रिक आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली, तो चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो एक लाइक जरूर से कर देना। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये ऊपर आ रही है धनी ऐप्स की तरफ से। अगर आप धनी यूज़ नहीं किए हैं इसके, या फिर इसके बारे में सुना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि एक धनी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सब कुछ होने वाला है। और जिन लोगों को पता है वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका फ़ायदा उठाना है, और एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा या फिर अलग से देना नहीं रहेगा। आपको सिर्फ जैसे कि हम रिचार्ज करने वाले 666 का, तो बस आपको उतना का उतना ही पेमेंट देना रहेगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं देना रहेगा। तो वीडियो बहुत ही कमाल का और स्पेशल होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को देखना एंड तक देखते रहेगा। तो सबसे पहले धनी ऐप इंस्टॉल कर लेना मेरे लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में आपको वो वाली लिंक मिल जाएगी डाउनलोड की। सिंपल आप लोग वहीं से इसको इंस्टॉल करना, ताकि आपको कुछ और भी बेनिफिट मिल जाए, तो मेक श्योर लिंक के थ्रू ही आप डाउनलोड कर लेना। धनी ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें एक सिंपल सा अकाउंट बनाना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर दे के, और OTP वगैरह नाम वगैरह जो भी आपसे बेसिक सी डिटेल्स पूछे जाए, वो आपको जो भी बेसिक सी डिटेल पूछी जाएगी वो डिटेल आप वहाँ पे फिलअप करके अपना अकाउंट रेडी कर देना। रेडी करने के बाद डायरेक्ट आप एक इसमें एक फ्रीडम कार्ड यूज़ करना रहता है, लेकिन आप अभी फ्रीडम कार्ड के लिए अप्लाई मत करना डायरेक्ट, आप सबसे पहले कैशबैक कार्ड अप्लाई कर लेना। अगर आपको कैशबैक कार्ड मिल जाएगा तो आपको फ्रीडम कार्ड भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ्रीडम कार्ड अप्लाई करने जाओगे तो आपको कुछ भी दोनों में से एक भी नहीं मिलने वाला, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबसे पहले कैशबैक कार्ड को अप्लाई कर लेना। अप्लाई करके बस इसको छोड़ देना, इसको यूज़ नहीं करना है हमें, मतलब है फ्रीडम कार्ड से, जिसमें ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो जैसे आपका फ्री कैशबैक कार्ड एक्टिव हो जाए, इसके बाद आप जो ये फ्रीडम कार्ड है उसको एक्टिव करने की रिक्वेस्ट डाल देना। वहाँ पर बेसिक सी डिटेल रहती है, जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, और आधार कार्ड के ऊपर आपको एक OTP आएगी, वो OTP भी आपको वहाँ पर दे देनी है, तो आपकी सारी डिटेल वहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले जाएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। मेक श्योर इतना याद रखना कि आपके पास आधार कार्ड में जो भी नंबर रहे मोबाइल नंबर, वो वहीं आपको लिंक होना चाहिए और आपके मोबाइल में ही होना चाहिए, तब भी ये वर्क करने वाला है। बस ये सारी डिटेल आप वहाँ पे फिलअप कर दोगे तो आपको वहाँ पे उन लोगों के पास ये रिक्वेस्ट चल जाएगी कि आपको एक फ्रीडम कार्ड चाहिए, तो वो आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको एक फ्रीडम कार्ड दे देंगे, जहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड ही मिल जाएगा, जहाँ पे आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं मोबाइल रिचार्ज पे। वैसे आप चाहो तो इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्ट पेटीएम में भी मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो, या फिर इसमें आपको ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग भी कर सकते हो। आप इन कार्ड जो भी आपको लिमिट मिल रही है उसका बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन अभी इसका हम फ़ायदा उठाएंगे MI पे, जहाँ पे हम रिचार्ज करेंगे और रिचार्ज हो जाए तो इसको हमें एक MI में कन्वर्ट करके ये दे देंगे, इसके बाद हमें इसकी MI पेमेंट करने रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, उसके बाद ही अप्लाई कर लेना। तो सबसे पहले आप जैसे लिंक के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे आप फ्रीडम कार्ड के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको प्रोमो कोड बोला जाएगा, तो प्रोमो कोड आप वहाँ पे आपको लगा लेना है FC100, ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर लेना, ताकि आपको फ्रीडम कार्ड एक्टिव करने के लिए भी एक 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाए, या फिर जो भी प्रोमो कोड वर्किंग रहेंगे वो आपको वहाँ पे लिस्ट पे देखने को मिल जाएंगे। एक बार उन प्रोमो कोड को चेक कर लेना या फिर अप्लाई कर देना।
ताकि आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाए। ठीक है, इतना करने के बाद आपका जो फ्रीडम कार्ड है वो अप्लाई हो जाएगा और अप्रूवल आ जाए तो इसके बाद आप तुरंत एक्टिव मत कर देना कार्ड को, सिर्फ अप्रूवल ले लेना। इसके बाद आपको एक मेंबरशिप का बोला जाएगा जहाँ पे उसकी कीमत होगी शायद 300 रुपीज़ के करीब उसकी प्राइस रहेगी। वो आपको बोलेंगे कि आपको ये वाला फ्रीडम कार्ड एक्टिव करना है तो आपको 300 रुपीज़ का वहाँ पे सब्सक्रिप्शन पेमेंट करना रहेगा। तो वो आप डायरेक्ट पेमेंट मत करना वरना आपके 300 रुपीज़ चले जाएंगे। उन लोगों का वेट करना, उन लोगों का आपके पास एक कॉल आएगा और कॉल में आपको बताया जाएगा कि आप कुछ इस तरह से आपको अपनी जो भी लिमिट है उसका पेमेंट करना रहेगा। जैसे आप 300 रुपीज़ का वहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपको 300 रुपीज़ वापस आपका बैंक आपको वापस उसी अकाउंट पर आपको वापस क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। लेकिन वेट करना, तुरंत के तुरंत करने जाओगे तो आपको कुछ भी रुपये नहीं देंगे। आप सिर्फ इसको फ्रीडम कार्ड को अप्लाई करके रख दोगे, आपको लिमिट भी हो जाएगी। इसके बाद आपको वहाँ पे वेट करना, ठीक है, इतना करना, वेट करना। आपको आप खुद के खुद वो लोग कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको ऐसी लिमिट मिली है और इसमें आपको 300 रुपीज़ पेमेंट कर दोगे तो आपका फ्रीडम कार्ड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना, जो मेंबरशिप आपको देते हैं वो एक मंथ की देते हैं, तो याद रखना जब भी उनका कॉल आए तो एक बार पूछ लेना वो एक मंथ की है या फिर एक साल की है या फिर लाइफ टाइम की है, वो जरूर से कन्फर्म कर लेना। वरना ये लोग आपको एक मंथ की दे के चिपका देंगे वो मेंबरशिप वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको एक साल या फिर लाइफ टाइम वाली ही लेनी है जहाँ पे आप 300 रुपीज़ वहाँ पे मेंबरशिप का दोगे वो वापस। मेक श्योर याद रखना जो भी आपको मेंबरशिप दी जा रही है वो या तो फिर ईयरली होनी चाहिए या फिर आपको लाइफ टाइम फ्री होनी चाहिए। वो जो भी मेंबरशिप आपको दिया जाएगा उसका आपको जो भी रिफंड में कैशबैक मिल जाना चाहिए, उस बात का आपको एक बार कन्फर्म कर लेना। इसके बाद आपको जो भी फ्रीडम कार्ड मिलती है उसको एक्टिव कर लेना। लिमिट आपको पहले ही शो हो चुकी होगी कि आपको इतनी लिमिट मिली, तो बस उसी लिमिट के थ्रू आप नीचे एक मोबाइल रिचार्ज वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आप रिचार्ज कर लो। रिचार्ज करने के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पे MIO बन जाएगी 3, बस आपका रिचार्ज हो जाएगा तो आपको 3 MIO में कन्वर्ट वो लोग करके दे देंगे। तो आपको हर मंथ आपको इसको पेमेंट करना रहेगा, कुछ 100-200 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना रहेगा हर मंथ। और सबसे अच्छी बात, इसको आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप एक आज के दिन ही एक रिचार्ज करो, फिर आप फिर से कल दोबारा भी रिचार्ज कर सकते हो, फिर आप कल दोबारा रिचार्ज कर सकते हो। मतलब आपको डेली में लिमिट मिलती है और उसको आप डेली में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसको हर रोज़ आप एक रिचार्ज करो और उसको MIO में कन्वर्ट कर दो, हर रोज एक रिचार्ज करो और उसको MIO में कन्वर्ट कर दो। तो ये डबल बेनिफिट के साथ इसका मजा रहता है कि आप जितने भी चाहो उतने रिचार्ज करते जाओ, आपको हर रिचार्ज पे एक MIO मिलती जाएगी। लेकिन MIO का कुछ आपको पेमेंट करना रहेगा इंस्टेंट, जो भी आप रिचार्ज करते हो इसमें आपको 3 MIO बनेगी, उसका एक पेमेंट आपको इंस्टेंट करना रहेगा। बस सिंपल सा इसका फंडा है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान यूजबल है, आप चाहो तो इसको जरूर से यूज़ कर सकते हो। और क्या कभी आपने लाइफ में सोचा था कि आप जब भी रिचार्ज करोगे तो रिचार्ज में भी आपको MIO बन सकती है? बिल्कुल सही आपने अभी सुना और देखा कि आप एक रिचार्ज भी करोगे तो उसमें भी आपको MIO बन जाएगी, वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा देना नहीं देगा। अगर आप MIO टाइम पे पेमेंट भी नहीं करोगे ना तो 2-3 रुपीज़ का ही चार्ज आपको लिया जाएगा, इससे ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना रहेगा। तो बेहतरीन ऐप्स है और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। बाकी आप बताना आपको कैसा इसका कॉन्सेप्ट लगा। और मेक श्योर याद रखना जो भी आप मेंबरशिप का पेमेंट करने वाला हो उसका पैसा आपको रिफंड में कैशबैक के तहत आपको मिलना ही चाहिए। वहाँ पे आपको बताएगा कि अगर आप फ्रीडम कार्ड एक्टिव करोगे तो आपको इतने रुपीस का वापस हम कैशबैक देने वाले हैं। तो वो एक बार कन्फर्म कर लेना कि आपको कितना कैशबैक वो लोग वापस देने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बाकी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पे 2400 घंटे एक्टिव रहता हूँ और टेलीग्राम की लिंक भी नीचे दी गई है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लाइव मुझसे चैट में बात कर सकते हो। मैं 2400 घंटे आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम रहती है और कुछ भी बात वगैरह करनी है तो आप कमेंट में कर लेना, और ऑफर बगट के लिए आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर देना। ठीक है।